बात है, मतलब के लेवल कर दिया 50th, 50वां 100, कैन यू बिलीव 50वां 100 स्कोर किया, वो भी किस सिचुएशन के अंदर। शट अप कॉल हो चुकी हुई है उन लोगों के ऊपर जो लोग ये बात को कल से, कल क्या मतलब कि हर दफा वजह बनाते थे कि विराट कोहली कांट स्कोर इन सेमीफाइनल। विराट कोहली ने आज जो सेंचुरी मार दी है, ये आज तक किसी ने भी ऐसा सेंचुरी नॉकआउट में नहीं मारा होगा। व्हाट अ प्लेयर। आज खाली सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, दो रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़े और वो भी बहुत बड़े रिकॉर्ड। सिंगल कंडीशन वर्ल्ड कप के अंदर उनके स्कोर को तोड़ा है, हाईएस्ट जिसको कहते हैं, एक वर्ल्ड कप के अंदर एक एडिशन के अंदर स्कोर करने वाला ये बंदा बन चुका हुआ है। और आज ही विराट कोहली ने 50वां 100 ओडीआई के अंदर, अनबिलीवेबल, ओ माय गॉड। मतलब कि आप कैसे सोच सकते हो कि एक बंदा 50-50 कर ले, हंड्रेड्स की विराट कोहली ने कर दी है, वो भी किस सिचुएशन के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर। इंडिया इसमें बल्लेबाजी कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इंडिया 400 मार देगा जिस तरह से विराट कोहली खेल रहे, जिस तरह से श्री सैय्यद ने साथ दिया, जिस तरह से गिल बल्लेबाजी करके गया, वो बेचारा अनलकी रहा, उसको जिसको कहते हैं क्रैम्प पड़ गए, जिस तरह से रोहित ने स्टार्ट किया, भाई तालियां बनती है टीम के लिए कि जैसा मर्जी पिच हो इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है। और विराट कोहली दोनों हाथों का सल्यूट है हर बंदे ने, जिस बंदे ने भी ये लाइन लिखी है, जहां मैटर भरे होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात की है, ये बंदा हर जगह खड़ा ही होता है। और आज जो इसने इनिंग्स खेल दी है ना, मेरी नजर के अंदर विराट कोहली का वो जो 82 अगेंस्ट पाकिस्तान था ना, वो तो चेज के अंदर बेस्ट था, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए वन ऑफ दी जो बेस्ट इनिंग्स थी ना विराट कोहली की, वो ये रहेगी वर्ल्ड कप। ये बात आपने याद रखनी है कि वर्ल्ड कप के सिचुएशन के अंदर नॉकआउट मैच, नॉकआउट मैच भी कौन सा, सेमीफाइनल, वो भी किस टीम के खिलाफ, उस टीम के खिलाफ जिसके अगेंस्ट आप हमेशा हारे हो, उस टीम के अगेंस्ट इस बंदे ने रीढ़ की हड्डी बन के खेला है। सल्यूट है भाई, सल्यूट है विराट कोहली को, जो इनिंग्स खेल गया अनबिलीवेबल है, बहुत बड़ी इनिंग्स खेल दी। और लेजेंड मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और यही इंडियन टीम की खासियत है। आप देखें कि ये लोग कहां से चलते आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी लेगेसी विराट कोहली को दी, अब विराट कोहली वही लेगेसी देके जा रहा है शुभमन गिल को। ये है इस टीम की खासियत। विराट कोहली ने आज अगेन प्रूव किया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, व्हाई ही इज द किंग। क्या बात है, मतलब के लेवल कर दिया, दिल खुश हो गया। यही बंदा यही कर सकता था, और किसी में इतना दम नहीं था, यही कर सकता। इस वजह से हम कहते हैं ये बड़ा मैच विनर है, ये होता है मैच विनर। बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े प्लेयर ऑलरेडी हम कहते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इन सिचुएशन के अंदर जो खिलाड़ी चलेगा वही माना जाता है। और विराट कोहली ने एक दफा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी दफा ये चीज को प्रूफ करके रख दिया है, व्हाई ही इज द बेस्ट। सल्यूट है विराट कोहली को, क्या इसने बल्लेबाजी खेली है। अभी इंडिया मुझे लगता है ओड मारेगा, और ओड ये जिसको कहते हैं ना 400 कर जाएंगे, जैसे ही जिसको कहते हैं ना ये इनिंग्स खत्म होगी, लाइव आपके साथ जुड़ेंगे। इजाजत दीजिए।